हेलो एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसको बोलते हैं मनी एंड बैंकिंग। और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बार्टर सिस्टम और उसका ड्रॉबैक्स, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। सामान के बदले सामान अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो वो सिस्टम आपका कहलाएगा बार्टर सिस्टम। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सबको पता होता ही है। अब आते हैं इसका मेन टॉपिक पे, जो कि है ड्रॉबैक्स। क्या क्या ड्रॉबैक्स है बार्टर सिस्टम का। सबसे पहला ड्रॉबैक है सर्च कॉस्ट। सर्च कॉस्ट मतलब आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो, अगर आप गुड के बदले गुड एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आपको ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो निर्धारित टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करके वो ट्रांजेक्शन कर पाए। ठीक है, मतलब जो सामान आप देना चाह रहे हो वही सामान वो लेना चाहे। ठीक है, और वो जो सामान देना चाहे वही आपको चाहिए, ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा तो ही ट्रांजेक्शन हो पाएगा। तो लिखा हुआ है, अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम वॉज डैट वन हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, पैसा इन्वेस्ट करना होगा इन सर्च फॉर, ये सर्च करने के लिए, उस इंसान को सर्च करने के लिए जो विलिंग, मतलब चाहता हो टू एक्सचेंज द गुड एट द गिवन टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, नंबर 2, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। ये डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। तो इसको समझते हैं। अ कॉमन प्रॉब्लम विद द बार्टर सिस्टम इज दैट इज द लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट यहाँ पे हमें जल्दी मिलता नहीं है। अब ये डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, विच मीन्स इफ वन वॉन्ट्स टू एक्सचेंज सम गुड विथ अनदर पर्सन देन द लैटर मतलब अनदर पर्सन। ठीक है, वो दूसरा इंसान मस्ट ऑल्सो बी विलिंग टू एक्सचेंज हिज गुड विद द फॉर्मर। मान लीजिए दो इंसान है, आपके पास मान लीजिए चावल है, उसके पास मान लीजिए क्लोथ है। तो ट्रांजेक्शन तभी हो पाएगा जब आपको भी इसका क्लोथ चाहिए हो और उस इंसान को आपका चावल चाहिए हो। ठीक है ना, मतलब दोनों का वांट क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, तभी ट्रांजेक्शन हो पाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। आपको भी ये सामान चाहिए, उसको भी ये सामान चाहिए, तब जाकर ट्रांजेक्शन होगा। तो ऐसा जल्दी मिलता नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब आते हैं थर्ड शॉर्ट कमिंग पे, लैक ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स। ठीक है, इसमें आप गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, सर्टेन गुड्स आर नॉट फिजिकली डिविजिबल इनटू स्मॉल पीसेस। इजी, सपोज अ पर्सन पोजेसेस अ बफेलो एंड ही वांट्स राइस। मान लीजिए आपके पास बफेलो है और आपको बदले में चावल चाहिए। देन हाउ मच ऑफ बफेलो कैन बी ट्रेडेड फॉर राइस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। तो आप कितना बफेलो देंगे और कितना केजी चावल लेंगे, ये तय करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बफेलो को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं स्मॉल पीसेस पे। ठीक है ना, तो ये लैक ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स भी एक डिसएडवांटेज है बार्टर सिस्टम का। अब आते हैं चौथे डिसएडवांटेज पे, जो कि है प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। इसमें आप स्टोर नहीं कर सकते हैं आपके प्रॉपर्टी को। अनदर प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम इज दैट अ पर्सन मस्ट स्टोर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ हिज ओन गुड इन ऑर्डर टू एक्सचेंज फॉर हिज डिजायर्ड गुड्स विद अदर ऑन अ डे टू डे बेसिस। आपको डे टू डे बेसिस पर ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टोर मेंटेन करना होगा अपने सामानों का। ठीक है, आपको हर सामान अपने पास रखना होगा ताकि आप अपने जरूरत का सामान एक्सचेंज करके ले आ पाए। तो प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज भी इसका एक प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम का। आते हैं फिफ्थ ड्रॉबैक पे, जो कि है लॉस ऑफ वैल्यू। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखेंगे तो वक्त के साथ साथ उसका क्या होगा, क्वालिटी भी रिड्यूस होगा और वैल्यू भी रिड्यूस होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ वैल्यू। ठीक है, पर पढ़ लेते हैं। अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ वाटर सिस्टम इज दैट अ गुड लूजेज इट्स ओरिजिनल क्वालिटी एंड वैल्यू इफ इट इज स्टोर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्वालिटी और वैल्यू दोनों ही रिड्यूस होगा अगर आप बहुत दिन तक स्टोर करके रखेंगे तो, और आपको बार्टर सिस्टम में स्टोर करके रखना ही होगा तो ही आप डे टू डे बेसिस पर ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो स्टोरेज में भी प्रॉब्लम है, स्टोरेज की वजह से लॉस ऑफ वैल्यू भी होता है, और आपको इंसान ढूंढने में सर्च कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसके बाद डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट जल्दी मिलता नहीं है, और उसके बाद लैक ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स। आप गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कितना गुड के बदले आप कितना गुड एक्सचेंज कीजिएगा वो यहाँ पे डिटरमाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल बफेलो, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसके पास 10 केजी चावल है, ठीक है, और आपको चाहिए मान लीजिए 2 ही केजी, तो आप बफेलो को काट के तो नहीं देंगे ना 2 केजी चावल लेने के लिए। तो ये है लैक ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स का प्रॉब्लम यहाँ पे। तो ये 5 प्रॉब्लम है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो समझ में आया होगा, काफ़ी छोटा ही रखते हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मनी क्या होता है और उसका फंक्शन देखेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और ये जो भी नोट्स है इसका अगर PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। तो इतने रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।